हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक। ये चॉकलेट केक बनाने के लिए आपको किसी भी ओवन या कुकर की ज़रूरत नहीं है, या आप किसी भी ढक्कन वाले बर्तन में आसानी से बना सकते हो। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए, ये हमने एक कप मैदा लिया है। ये इस कप से मैंने मेजरिंग कप से मेजर किया है, इसी ही मेजरिंग कप से हमने सभी चीज़ें मेजर करके ली है। ये एक कप मैदा है, ये एक कप पाउडर शुगर है, हाफ कप हमने कोको पाउडर लिया है, ये हाफ कप हमने मिल्क लिया है, हाफ कप हमें पानी लगेगा, ये बेकिंग पाउडर है, ये हाफ टी स्पून है, ये बेकिंग सोडा है, ये भी हाफ टी स्पून है, नमक हमें हाफ टी स्पून लगेगा, एक हमने अंडा लिया है, ये हाफ टी स्पून हमने कॉफ़ी ली है, थोड़ा सा हम वैनिला एसेंस लेंगे और 1/4 कप हम ऑयल लेंगे, एडिबल ऑयल। तो आइए बनाना शुरू करते हैं चॉकलेट केक। ये इस टाइप से मैंने बर्तन लिया है, अभी मैं इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ नीचे से। फिर ये इसमें मैं बटर पेपर डाल रही हूँ और इसको भी मैं ऊपर से ऐसे ग्रीस करके लेती हूँ, इससे हमारा केक अच्छे से निकलेगा। ये हमने हॉट वाटर लिया है, इसमें हम ये कॉफ़ी डाल लेंगे, मिक्स करके बाजू में रखते हैं। अभी हम सभी ड्राई जो चीज़ें हैं इसे छाननी से छान लेंगे। ये मैदा है, एक कप हमने लिया है, कोको पाउडर है हाफ कप, बेकिंग पाउडर हाफ टीस्पून, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून और नमक हाफ टी स्पून। सभी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली है, अभी हम इसे छानने से छान लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से हमने छानने से छान लिया है, अभी हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये पाउडर शुगर लिए हमने एक कप, ये इसमें ऐड कर लेते हैं, हाफ कप हमने मिल्क लिया है, ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं, ऑयल हमने 1/4 कप लिया है, ये इसमें ऐड करते हैं, अंडा ले लिया है एक, वैनिला एसेंस हम 1 टीस्पून डालेंगे, या हाफ टी स्पून है इसलिए मैं इसे 2 बार डाल रही हूँ। अभी सभी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हाफ कप वाटर में कॉफ़ी को जो डिजॉल्व करके लिया है ये हम इसमें ऐड कर लेते हैं। पहले हम चमचे से ही इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर हम विस्कर से विस्क करेंगे। ये देखिए हमारे बैटर का कलर कितना अच्छा आया है कॉफ़ी डालने की वजह से। अभी हम इसे धीरे से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अभी हम इसे जो हमने बटर पेपर लगा के बर्तन तैयार किया है इसमें इसे ऐड करते हैं। इसे हम थोड़ा टैप कर लेंगे और बेक होने के लिए इसे हम रखेंगे।
बर्तन को हमने ढक के 10 मिनट के लिए प्री हीट करके लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसके ऊपर इसे रखते हैं। ये गर्म है इसलिए हम इसे इसे बर्तन को हमने इसके अंदर रख लिया है। अभी ऊपर से हमें ढक के इसे 35 मिनट तक पकाना है। बीच में हम इसे चेक करेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम पे ही रखा है। एक बार हम इसे खोल के चेक करके देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पर मुझे लगता है अभी एक 5-1 मिनट और हम इसे रखते हैं और फिर हम इसे स्टिक डाल के चेक करेंगे। अभी हमारे केक को रख के 1 घंटा होने को आया है तो हम इसे निकाल के देखते हैं और ये इसमें स्टिक डाल के चेक करके देखते हैं। ये देखिए पूरी प्लेन निकली है। गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर लेती हूँ और अभी इसे ठंडा होने के लिए रखती हूँ। ये मैंने गनाज बनाया है, अभी मैं इसके ऊपर इसे डालती हूँ। मुझे सिंपल ही डेकोरेशन अच्छा लगता है केक के ऊपर, इसलिए मैंने गनाश से डेकोरेट किया है, पर आप इसे व्हिप क्रीम से भी डेकोरेट कर सकते हो। अगर मेरी ये केक की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी और नए और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।